أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على منهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين लास्ट दो तीन लेक्चर जो है वो हमारा जो क्रैश की तरफ से बॉयकॉट हुआ था पूरे के पूरे बनु हाशिम का और बनु हाशिम के बॉयकॉट की जो वजूहत थी है ना उसको डिस्कस करने में गया था और फिर ये बॉयकॉट ख़त्म कैसे हुआ और इसमें रसूलुल्लाह वसम का मुआजे का दखल किस तरह से था और अबू तालिब का रोल इसमें कितना इफेक्टिव था और फिर क्रैश के दरमियान में से वो लोग जो थोड़ा सा खैर का जज्बा रखते थे उनका रोल इसमें किस तरह से था वो वाकयात की सूरत में आपके सामने आ चुका था तो आज अब हम इसी यानी बॉयकॉट के आगे जो मुकम्मल बॉयकॉट हुआ बनु हाशिम बनु मतलब का उसके आगे के वाकयात को पढ़ने जा रहे हैं तो जैसा कि टाइटल से आप जानते हैं कि आज जो है हम लोग अब तलेब की वफ़ात के बारे में पढ़ेंगे और सैदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह उनकी वफात के बारे में भी पढ़ेंगे सदा खदीजा का रोल क्या है की ज़िंदगी में और आपका मुकाम और मरतबा क्या है इसको यहाँ पे हम उतनी तफसील से बयान नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इस मौजू पे एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जब हमने बिल्कुल यानी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं लेकिन लेक्चर नंबर ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव के बीच में किसी एक लेक्चर में हमने रसूल की मैरिज का सैदा खदीजा के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है उस उस टॉपिक पे दो लेक्चर दिया है तो अगर आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में देखेंगे उसमें तो मिल जाएगा आपको तो अगर आप तफसील से ये जानना चाहते हैं कि सैदा खदीजा का मुकाम क्या है और उनके बारे में अदीस क्या हैं और उनके फजाइल क्या हैं तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं दो लेक्चर हैं रसूल वसम की मैरिज के ऊपर सैदा खदीजा तो वो वहाँ मिल जाएंगे आज हम बस सैदा खदीजा की वफ़ात के बारे में पढ़ेंगे रजीहा और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ रसूल के ऊपर उसका एक छोटा सा एक ब्रीफ़ ओवरव्यू आपके सामने आएगा ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे अब तालिब के बारे में अब तालिब की डेथ के बारे में अब तालिब का क्या रोल रहा उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो तो ग्रेजुअली हमारे सामने आती रही है बातें बिल्कुल शुरू से ही अगर हमें याद हो कि जब रसूल वसम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया है तो जिस वक्त अबू तालिब की किफालत में रसोल्लाम आए हैं जब यानी अल्लाह के रसूलसलम की, की उम्र तकरीबन आठ साल के आसपास रही होगी उस वक्त भी हमने एक लेक्चर अबू तालिब का रसूल को ले कर जो यानी एक हमदर्दाना रवैया रहा है उस उसमें तफसीली लेक्चर दिया था उस लेक्चर का नाम है इन दी गार्जियनशिप ऑफ़ अबू तालिब या इन द केयर ऑफ़ अबू तालिब ऐसे बोल के एक लेक्चर है आठवें या नौवें नंबर मेरे ख्याल में तेरह या चौदह के आसपास नंबर के लेक्चर में वो बात मिल जाएगी आपको फिर मौके ब अबू तालिब का जो रोल रहा उस पर तफ्ली रोशनी पड़ चुकी है फिर शेबा अभी तालिब के बारे में जो हमने पढ़ा है उसमें भी अबू तालिब के रोल पर रोशनी पड़ चुकी है तो आज बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस भी नहीं होगा लेकिन जो प्लेटफॉर्म है जो जिस कॉन्टेक्सट में अबू तालब का इंतकाल हुआ है वो भी आपके सामने आज आ जाएगा तो अब जब ये शेबा अबी तालब से जो बाइकॉट है वो ख़त्म हो गया है और क्रैश के महलों में यानी मक्का के आम महलों में आके बनो हाशिम और बनो मुत्तलिब आबाद हो गए और जिंदगी थोड़ी नॉर्मल ट्रैक पे आ गई तो रसूलुल्लाह रसूल पहले भी दावत का काम करते थे लेकिन अब दावत का काम फिर उसी नॉर्मल अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना शुरू किया यानी ये सारी मुश्किलों तो और परेशानियाँ आपके बाद आपके ऊपर एक के बाद एक आती रहती थी और आपके दावती और तबलीगी मिशन में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होती थी आप हमत अमली के तहत जो है तरीक़ा कभी तब्दील कर देते थे कभी बात करने का एक ढंग जो है वो दूसरे अंदाज से बात को रखने यानी इस्लूब में तब्दीली ले आते थे लेकिन कभी भी आपके दावती हरकत में और आपके तबलीगी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आई है आप समझ रहे हैं ना फॉर्मेट चेंज हो सकता है लेकिन किसी सूरत में भी बल्कि अगर आप सीरत पर गौर करेंगे तो मुसलसल रसोल वसम की हिम्मत में आपकी शुात में आपकी बहादरी में आप का खुल के हक बयान करने में आपका डंके की चोट पे तोहिद की दावत देने में मुसलसल इजाफा होता रहा है जैसे जैसे परेशानी बढ़ती गई हाँ आपने अकलमंदी के तहत जो है बाज मौके पे तरीक़ेकार की तब्दीली कुछ ऊपर नीचे की है और यह हमत अमली का एन तक है लेकिन किसी भी सूरत में आपने जो है दावत व तबलीग में किसी लम्हे के लिए भी एक लम्हे के लिए भी एक बालिश भी किसी किस्म की कि जो है एफर्ट में कमी नहीं की बल्कि मुसलसल इजाफा किया है ठीक है आपकी शख्सियत भी जो है अल्लाह ताला की तरबियत के नतीजे में कामिल से कामिल तर होती चली गई इस पूरी यानी अगर आप सीरत पे गौर करेंगे तो आगे भी बातें बात, बात यानी मुसलसल आएंगी सामने तो ये गौर करने की बात नहीं है क्योंकि सीरत जब हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वाकयात को एक ऑर्डर में पढ़ लेना ही सीरत पढ़ना नहीं है बल्कि सीरत दर हकीकत कुरान फहमी में और मजमू तौर पे दीन के मुकम्मल फ़हम में इजाफ़े का सबब तभी बन सकती है जब सीरत पे भी उसी तरह गौर व फ़िक्र किया जाए जैसे कुरान हदीस पर गौर किया जाता है यानी चूंकि रसूल वसम का जो उसए हुसन है जो अल्लाह तूर एज़ाब में आप सल्ला वसम कोसन करार दिया है तो वह आपकी मुकम्मल लाइफ है है ना और मकम्मल लाइफ जो है एक जगह पर सीरत में ही आके जमा होती है अहादीस के अंदर आप सल्ल व लाइफ के मुख्तलिफ़ टुकड़े और आपके बाज अकवाल और अफआल बयान किए जाते हैं लेकिन अगर पूरी जिंदगी को सामने रखना है तो सीरत ही वो एक सोर्स है जिसके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का खाका आपके सामने आ सकता है और इस पर अगर आप गौर करेंगे तो जो दीन का फहम है जो आप ब्रेड आपके अंदर पैदा होगा वो किसी दूसरे जरिए से नहीं हो सकता बहरहाल ये गौर फिक्र के पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दें आगे चलते हैं तो जब ये मामला हो गया कुरैश को फिर से परेशानी और कुरहन महसूस होने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग से दूसरी तरफ मामला ये हुआ कि अबू तालिब जो है मुसलसल बीमार से बीमार तर होते चले गए जब वो शेब अभी तालिब में जो तीन साल उनका गुजरा उसमें जो सख्तियाँ और मशक्क़त और परेशानियाँ जो उन्होंने झेली एक के बाद एक गम जो आपके ऊपर आया फिर लीडरशिप का अपना एक टोल होता है अगर इंसान जो है ऑनेस्ट वे में लीडरशिप करे तो उसके ऊपर बड़ा उसके असरा पड़ते हैं यानी इतना आसान नहीं होता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह रजील के बारे में सबक राम का कॉल है कि हजरत उमर रजी अगर एक साल और खलीफा रह जाते तो यानी आराम के न मिलने और क़वत के झायल होने और बेानतहा काम करने की वजह से हलाक हो जाते अगर उमर को शहीद नहीं किया जाता और एक साल और वो खलीफा रह जाते तो काम के बोझ से हलाक हो जाते यहाँ तक कि हजरत उमर रजील्ला के बारे में आता है कि दस साल खलीफा रहे और उनकी एहलिया की गवाही है और एक जो उनके यहाँ गुलाम औरत थी उसकी गवाही है कि हमने दस साल तक उमर रजी को बिस्तर पर सीधा लेट के सोते नहीं देखा जब भी सोते दीवार से टेक लगा लेते कुछ घड़ियाँ सोते फिर उठ के इबादत करते फिर जो है मुसलमानों के मामला में लग जाते तो ये मामला रात और दिन का तो लीडरशिप का अपना टोल होता है ऑनेस्ट आदमी अगर लीडरशिप करता है ना तो फिर उस पर बहुत उसके असर पड़ते हैं उसके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे तो अबू तालिब इतनी संगीन हालत में जो है पूरी की पूरी बनो हाशिम बनो तलब की लीडरशिप कर रहे थे इनके भी असरा आपकी सेहत पर पड़े सूरत हाल भी जो थी सारी चीज़ों का एक के बाद इफेक्ट पड़ता चला गया उम्र भी अस्सी को क्रॉस कर चुकी थी तो अबू तालिब जो है बिल्कुल यूँ कह लो कि बीमारी एक के बाद एक होने लगी और लोगों को महसूस होने लगा कि अब अबू तालिब के जाने का वक्त करीब आ गया कुरैश ने जब इस चीज़ को महसूस किया कि अब तालिब के मरने का वक्त अब आने लगा है करीब आने लगा है तो कुरैश ने ये आपस में डिसाइड किया कि देखो अगर तो अबू तालिब का इंतकाल हो जाए और उसके बाद हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ हाथ बढ़ाते हैं कुछ उनको रोकने की कोशिश करते हैं कुछ उनको कत्ल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी तो कत्ल से अबू तालिब के जरिए ही जो है अल्लाह ताला ने तहफुज किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अगर अबू तालिब के इंतकाल के बाद हम ये चीज़ करते हैं ना तो पूरा अरब हमें ताना देगा कि मोहम्मद का चचा जब तक ज़िंदा रहा तो इन लोगों ने मोहम्मद पे जो है वो हाथ नहीं बढ़ाया और अबू तालिब के डर से खामोश बैठे रहे और जैसे ही अबू तालिब मर गए तो ये लोग मोहम्मद पे चढ़ दौड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस ताने के डर से क्या हुआ कि कुरैश ने ये कहा कि देखो भाई ऐसा करते हैं अबू तालिब के पास हम लोग चलते हैं और उनसे कुछ अहद व पैमान करवा लेते हैं कुछ ट्रीटी वगैरह करवा लेते हैं हमारे और मोहम्मद के दरमियान दरमियान अलैहि वसल्लम ताकि इसके नतीजे में क्या होगा कि हम भी उस ट्रीटी को फॉलो करें सही तरीके से मोहम्मद भी उसको फॉलो करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही तरीके से और अबू तालिब के इंतकाल के बाद हम पे अरब ताना न दे ठीक है यानी हमें मोहम्मद पे चढ़ना ना पड़े और जब हम मोहम्मद पे नहीं चढ़ेंगे तो अरब ताना भी नहीं देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये लोग जो हैं अबू तालिब की खिदमत में कुरैश चौथी बार हाजिर हुए अब इससे पहले जो तीन बार हाजिर हुए थे तो मैंने हमने पहले पढ़ लिया है अगर आपको याद हो तो चार पांच लेक्चर पहले वो तीन वफद जो बैक टू बैक कुरैश का रसुल्ला रसुल्ला की शिकायत लेके अबू तालिब के पास आया और जो बातें हुई तफसली तौर पे आ चुकी हैं चार पांच लेक्चर पहले ये चौथा और आखिरी वफद है कुरैश का अबू तालिब की खिदमत में अबू तालिब की बीमारी क्या है तो बहरल इसके तालुक से इबनििसहाक की एक रिवायत है कि इबनि इसहाक वगैरह का बयान है जो आपके सामने स्क्रीन पर अपेयर हो रही है अभी तो मैंने समरी बयान की अब हम टेक्सट पढ़ लेते हैं इब्न इबिनक वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार पड़ गए और क्रैश को मालूम हुआ कि इनकी हालत गैर होती जा रही है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो हमज़ा और उमर हमज़ा रजी और उमर रजी रजील मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्म का दीन क़ुरैश के हर कबीले में फैल चुका है इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलते हैं कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद कर दें अच्छा अरब में क्या होता था ना कि जो आबाओ अजदाद की की हुई ट्रीटी होती थी ना तो उसको बहुत लोग उसका बहुत लिहाज रखते थे उनके मौत के बाद तो एक आम अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर अबू तालिब कोई ट्रीटी करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ चंद चीज़ों का पाबंद बना के जाएंगे और इंतकाल हो जाएगा उनका तो उसके बाद भी वो ट्रीटी कायम रहेगी क्योंकि जाहिर है कि अरब जो है अपने आबाओ अजदाद की की हुई ट्रीटी की बड़ी अहमियत रखता था वो उनके कल्चर में वो इतनी इनग्रेंड थी ये बात तो अबू तालिब के पास चलते हैं वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी इनके मुतालिक अहद ले लें क्योंकि वल्ला ही हमें अंदेशा है कि लोग इसकी वफ़ात के बाद हमारे काबू में न रहेंगे एक रिवायत में आता है कि कुरैश कहने लगे कि हमें अंदेशा है कि ये बुढ़ा यानी अबू तालिब मर गया और मोहम्मद वसलम के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो अरब हमें ताना देंगे कहेंगे कि इन्होंने मोहम्मद को छोड़ रखा और इसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत न की लेकिन जब इसका चचा मर गया तो इस पर चढ़ दौड़े सल्ला तो इसी ताने के खौफ से जो है वो अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का आखिरी और चौथा डेलीगेट जो है वो हाजिर हुआ जब ये डेलीगेट हाजिर हुआ तो इन लोगों ने कहा अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब आपका हमारे दरमियान जो मुकाम है जो मर्तबा है जो बुलंदी आपकी शख्सियत को हासिल है वो सब हम लोग जानते हैं और आप जिस हालत में हैं वो भी हम जानते हैं यानी अनकरीब आपके ऊपर मुमकिन है कि मौत का जो है वो मामला हो जाए तो बेहतर यह है कि इससे पहले कि आप की वफात हो आप किसी बात किसी अहद पैमान का पाबंद हमें और मोहम्मद को कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे और मोहम्मद के दरमियान कोई ट्रीटी वगैरह कायम कर दें ताकि मोहम्मद भी उसका लिहाज रखें हम भी उसका लिहाज रखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने भतीजे को बुलाएं और यहाँ पे बैठ के जो है बातें हो जाए इस पर रसूल वसम को ने रसोल्ला को बुलाया अबू तालिब <coughs> और अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व्लम से कहा कि भतीजे ये तुम्हारी कौम के मुआज़ लोग हैं ये बड़े लोग हैं तुम्हारी कौम के तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं ये चाहते हैं कि तुमसे कुछ अहद वग़ैरह ले लें ले और तुम भी इन्हें कुछ अहद वगैरह दे दो इसके बाद अबू तालब ने इनकी ये पेशकश जो है यानी प्रैश की बात रसोम के सामने रख दी ये सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब गौर से सुनी खूब ध्यान से सुनी इसके बाद आपने जो रिस्पॉन्स दिया वो जरा गौर करने वाला है रिस्पॉस क्या दिया आप ने ये बात हो गई अब देखिए आप आपलील्ला व्लम ने यहाँ डिफरेंट अंदाज में बात रखी इससे पहले जिस तरीके से आपने बात रखी बाज़ दफ़ा शिद्दत से ज़ोर से बात रखी बाज़ दफ़ा जज्बाती तरीक़े से आप सल्ला व्ल्लम पे जज्बात जो है वो गालिब आ गए और आपने कहा कि अगर मेरे दाएँ हाथ में सूरज और बाएँ हाथ में चाँद भी रख दिया जाए तो भी अल्लाह की कसम इस काम की तकमील से पहले मैं इस तबलीग को नहीं छोड़ सकता हूँ बिल्कुल सही बात है जो नबी और रसूल के ऊपर जो उस काम का बोझ होता है उसके तबसरा यानी उस पर तबसरा हमने पहले कर दिया था तो अब यहाँ पे आपने दूसरा अंदाज़ दूसरा इसलूब इख्तियार किया क्या इख्तियार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साम कुरैश की तरफ मुखातब होके मुखातब होके यानी होता है ना कि आप किसी की तरफ देख रहे हो और एड्रेस किसी और को कर रहे हैं तो अबू कुरैश की तरफ देख के अबू तालिब से कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एच चा मेरी तरफ़ से एक प्रपोज़ल आप क्यों ना अपनी कौम को देते हैं क्यों नहीं मेरी तरफ़ से एक प्रपोज़ल अपनी कौम को दें कि अगर वो यानी आपकी कौम इस प्रपोज़ल को मान ले तो अरब और अजम के बादशाह बन जाए यानी अरब और नॉन अरब्स के बादशाह बन जाए आमतौर पर अरबी जबान में अजम जो है तमाम नॉन अरब्स के लिए बोला जाता था लेकिन स्पेसिफिक सेंस में फारस के लिए बोला जाता था क्योंकि अहले अरब पे फारस का बहुत रोब था फारस यानी कि पर्शियन एम्पायर जो था उसका एक रोब अहले अरब के ऊपर था अहले अरब जो है उनको बहुत मजबूत और ताकतवर समझते थे और थे भी वो लोग पर्शियन एम्पायर बहुत स्ट्रांग था तो यानी अरबी लिटरेचर में यानी कदीम अरबी लिटरेचर में अजमी वर्ड जो है बहुत से केसेस में पर्शियन एम्पायर के लिए यूज़ परशियन पीपल के लिए यूज़ किया जाता था और कभी कभी जनर तमाम नॉन अरब्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था तो रसोल साहब ने कहा कि आप मेरी तरफ से एक प्रपोज़ल जो है अपनी कौम को दीजिए कि अगर वो उस बात को मान लें तो अरब और अजम के बादशाह बन जाए इस पे अबू जहल भी वहाँ पर मौजूद था अबू जहल ने कहा क्या मोहम्मद ऐसी एक नहीं दस बात मानने को हम तैयार हैं जिस जो तुम हमें यानी जो नतीजा बता रहे हो जो रिजल्ट बता रहे हो कि तमाम अरब अजम के हम बादशाह बन जाएंगे तो फिर ऐसी एक नहीं मोहम्मद हम तुम्हारी दस बात मानने को तैयार हैं वसल्लम इस पे आप वसल्लम ने पूरा स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप आप ने फरमाया कि मैं एक ऐसी बात की तरफ़ बुलाना चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनका ताबे व फरमान हो जाए बन जाए और अजम पर इनकी बादशाहत क़ायम हो जाए इसहाक की एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लोग सिर्फ़ एक बात मान लें जिसकी बदौलत आप अरब के बादशाह बन जाएँ और अजम आपके या यानी कि आपके सुपरियॉरिटी को कबूल कर लें आपके अंदर आ जाए ठीक है बहरहाल जब ये बात आपने कही तो वह लोग किसी कदर लोग जो हैं सिटपटा गए हैरान थे कि सिर्फ एक बात कौन सी हो सकती है जो इतनी इस कदर मुफीद हो और इसको कैसे इनकार कर दें आखिरकार अबू जहल ने कहा अच्छा बताओ तो वो बात क्या है तुम्हारे बाप की कसम मैं एक बात क्या दस बातें भी पेश करोगे तो मानने को तैयार हूँ अगर ऐसी बात है कि भाई एक बात को मान लेने से इतना बड़ा फ़ायदा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूजते हैं इन्हें छोड़ दें इस पे इन्होंने हाथ पीट पीट कर तालियां बजा बजा कर कहा कि मोहम्मद अलैहि तुम ये चाहते हो कि सारे खुदाओं की जगह एक खुदा बना डालो ये बहुत ही अजीब बात है फिर आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि खुदा की कसम ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं लिहाजा चलो और अपने आबाओ अजदाद के दीन पर डट जाओ यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और इस शख्स के दरमियान फैसला कर दे अब यहाँ पे दो बातें मैं चाहूँगा कि आप नोट करें पहली बात कि रसूल अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग में अपने अकायद में अपने मिशन में एक दाने के बराबर भी तब्दीली के कायल नहीं थे आना आपने पूरी दावती मिशन में तमाम यानी यूँ कह लीजिए कि बीच बीच के रास्ते अख्तियार करने की कुराश ने जितनी बार भी कोशिश की सबको मुस्तरद कर दिया और पूरे डंकी के चोट पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तनहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस बात की दावत दी जिसके वो सबसे बड़े मुखालिफ थे ठीक है एक बात तो यहाँ आपली वम की शख्सियत का और यानी इस्लाम के मिजाज का आपको ये बात समझ लेनी चाहिए दूसरी एक अहम बात समझ लीजिए दूसरी अहम बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात क्यों कही उनके सामने कि अगर आप इस कलमे को मान लेंगे तो आप अरब व अजम के बादशाह बन जाएंगे या अरब जो है यानी आपके ताबे हो जाएंगे और अजम पे आपकी बादशाहत क़ायम हो जाएगी ये बात आपने क्यों कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें हैं दो बातें यहाँ नोट करने की हैं पहली कि मुमकिन है कि इस्लाम की जब आप दावत दे रहे हो किसी सामने वाले को तो इस्लाम का सबसे फंडामेंटल दावत क्या है तोहहीद है, है ना लेकिन इस्लाम के कबूल करने से और भी फायदे जुड़े हुए हैं ना जैसे इस्लाम के कबूल करने से इंसान की लाइफ डिसप्लिनड हो जाती है सोशल स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है अगर इस्लामी तालीमा पर अमल किया जाए तो हरामकारी से बचता है त्यारत वगैरह का अहतमाम होता है फिर आख़रत में जन्नत मिलती है ये तो सबसे बड़ा खैर फायदा है अल्लाह ताला की रजा नसीब होती है और भी हज़ारों फ़ायदे तो पता ही चला कि इस कबूल इस्लाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन कभी कभी आम पब्लिक को इस्लाम की तरफ मुतासर कर या इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फ़ायदे को भी बयान किया जा सकता है जो फ़ायदा सच्चा हो लेकिन सबसे प्राइमरी फ़ायदा ना हो समझ रहे हैं ना यानी कि कबूल इस्लाम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अल्लाह ताला की रज़ा नसीब होगी और सेकंड सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जहन्नम से बच के इंसान जन्नत में पहुँच जाएगा इन दो फायदों के मुकाबले में जितने फ़ायदे इस्लाम के साथ अटैच हैं वो सब इन दो फ़ायदों के मुकाबले में छोटे हैं कोई हैसियत नहीं रखते है ना इन इंसान को पूरी दुनिया की भी बादशाहत दे दी जाए तो रज़ाए बारी तला के मुकाबले में वो कोई हैसियत नहीं रखता और पूरी दुनिया नहीं बल्कि दस दुनिया की बादशाह दे दी जाए और मुकम्मल तसरफ उसको हासिल हो जाए इन तमाम चीज़ों के ऊपर तो भी वो जन्नत के अदने से अदना जन्नती के मुकाबले में जेमत होगी उसके मुकाबले में ये कोई हैसियत नहीं रखती तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस कबूल इस्लाम से है वो आखिरत की निजात है और बाई ताह की रजामंदी है इसके बावजूद आप सल्ला वम ने इन दो बड़ी बातों को छोड़ के एक ऐसी बात को अटैच किया इस्लाम के कबूल के साथ जो सही थी जो गलत नहीं थी जो सही थी लेकिन जो सबसे प्राइमरी नहीं थी तो पता ही चला कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर इतनी अकली सलाहियत हो या इतनी रूहानी ताकत हो कि उसको इस्लाम के सबसे हायर ऑब्जेक्टिव की ही दावत दी जाए बल्कि कबूल इस्लाम के साथ जो अदर सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स अटैच्ड हैं उसकी दावत दे के भी लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है दैट दैट इज नॉट दी डी डिफॉल्ट वे ऑफ कॉलिंग टूवर्ड्स इस्लाम बट समाइम्स दैट कैन बूज्ड टू अट्रैक्ट पीपल टू टुवर्ड्स इस्लाम बट झूठ नहीं होना चाहिए अगर आप झूठी अब अगर आप किसी को कहेंगे कि भाई इस्लाम कबूल कर लो अमीर हो जाओगे या इस्लाम कबूल कर लो तुम्हारी जिसमानी तौर पर तुम्हारी ताकत में इजाफा हो जाएगा तो ये सब बातें जो सच्ची नहीं है ऐसा कोई वादा अल्लाह तला ने नहीं किया ठीक है ऐसा कोई वादा अल्लाह ताला ने नहीं किया कि इस्लाम के कबूल करने से कोई अमीर हो जाएगा या इस्लाम के कबूल करने से जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाएगी ऐसा कोई वादा अल्लाह ताला तरह रास्त नहीं किया तो झूठी बात की तरफ बोल के हम इस्लाम की तरफ लोगों को नहीं बुला सकते लेकिन अगर कोई सच्चा वादा अल्लाह ताला से साबित है यानी अल्लाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सच्चा वादा किया है तो उसको इस्तेमाल करके हम लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दे सकते हैं चूँकि अल्लाह ताला ने रसूल वसम से ये वादा किया था कि ये कौम जो होगी जो इस्लाम कबूल करेगी और जब इस्लाम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है इस्लाम को क़वत पकड़ता और इस्लाम को गालिब होता कम से कम बिलादुल अरब में देखेंगे ठीक है और कुरान में बहुत सी जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी दलालतन और सराहन जो है बयान किया गया अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ज़मीन की विरासत जो है अहले ईमान को हासिल होगी लिहाजा और फिर रसूल वसम को यानी जो बरह रास्त आपके ऊपर होता था कुरान के मासिवा भी बाज़ हक़ाक आपके ऊपर खोले जाते थे तो उन हकायक को सामने रख के भी आप वसल्लम जानते थे कि जो है अरब के ऊपर हुकूमत कायम होनी है और इस तरह इस्लाम इन इलाकों में फैल जाएगा और इतनी मज़बूत जो है वो सल्तनत मुसलमानों की कायम हो जाएगी तो ये जो आपने कहा कि अरब वजम के बादशाह बन जाओगे ये एक हकी बात थी दो दिस वॉज नॉट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लाम दिस वाज नाट द प्राइमरी गोल ऑफ इस्लाम बट दिस वॉज़ अट True promise promise from Allah Subhanahu Wa Taala which was going to to be fulfilled somewhere in the future. That is why Rasulullah used this promise to, uh, attract their attention towards Islam. Aap समझ ना? दो बातें मैंने कही एक तो कि बात सच्ची होनी चाहिए वादा सच्चा होना चाहिए अल्लाह तरफ से झूठी बात अपनी तरफ से बना के आप लोगों को इस्लाम की तरफ नहीं बुला सकते पहली बात दूसरी अगर वादा सच्चा है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से सच्चा वादा साबित है, तो फिर उस वादे का इस्लाम तो के, के उसके जरिए भी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक सिस्टम के बेनिफिट इस्लाम के हैं जो पोलिटिकल सिस्टम के बेनिफिट इस्लाम के उनको दिखा के भी बाज सूरतों में इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है ठीक है तो ये दो नसीहत के पॉइंट्स हैं जो सम की इस तकरीर से हमें समझ में आते हैं चलिए आगे चलते हैं इस पे जाहिर है किश का रिएक्शन वही था कि वो फिर नाराज़ हो गए और उठ के चले गए और कहा कि ये तो तमाम खुदाओं को एक खुदा बनाना चाहता है दरअसल इस पे जो है वो कुरानी मजीद में मुख्तलिफ जगह अल्लाह ताके की तस्वीर कशी की है वो अभी यहाँ हमने इसको स्किप कर दिया कि कुरान ने इस पर क्या बयान किया लेकिन बस यूँ समझ लीजिए कि जो क्रैश का एक गु़स्से वाला रवैया था इसके बाद उसके बाद बात समझ में आ गई कि अब कोई जो है किसी भी तरह की कभी भी यूं कह लीजिए कि ट्रीटी नहीं हो सकती अब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत में भी किसी दावत के किसी एस्पेक्ट को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कुरैश नाराज़ होकर चले गए बहरहाल इसके बाद अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आ गया अभी तक जो बातें मैंने कही फुल्ली सारी बातें समझ में आई होंगी अब हम ये नबूत के दसवें साल में चल रहे हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बने हुए दस साल हो चुके हैं और अलल एलान जो दावत आपने शुरू की वो तीसरे साल शुरू की थी तो सात साल गुजर चुके हैं अलल एलान दावत के अब अबू तालिब मसलसल बीमार पड़ते रहे और छः महीना जब गुजर चुका था बायकॉट के ख़त्म होने के बाद तो अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आ गया अब यहाँ पे बुखारी वगैरह में एक मौजूद है जो हज़रत मैब रज़ील्हू नरेट करते हैं ये मुसैब कौन है ये सईद बिन मसैब जो हैं बहुत मशहूर ताबई हैं बहुत बड़े आलम हैं तबयीन में सैदुल ताबईन कहा जाता है इमाम शाफा ही फरमाते हैं इस पर इजमा है कि सईद बिन मसैब जो हैं वह तमाम ताबैन के इमाम हैं और यानी इतने बड़े आलिम थे किब्दुल्लहिन उमर रज़ील जैसा साहबी भी बस दफ़ा जो है सईद बिन मुब से मसला पूछवाया करता था जबकि सईद बिन मुब जो थे वो गैर सहाबी थे और बिन उमर सहाबी थे इसके बावजूद फोखाय मदीना में गिने जाते थे सईद बिन मसैब उन्हीं के वालिद हैं ये मुसैब रजी मुसैब रजील अनु ये नरेट करते हैं बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि रसूल सल्हलम के चचा यानी अबू तालिब अब इंतकाल के वक्त करीब आ गया तो अब लास्ट मोमेंट्स चल रहे थे तो क्रैश का एक तीन चार लोग उसमें अबू जहल भी शामिल था वो लोग अबू तालिब के पास आ पहुँचे क्योंकि अबू जहल को ख़तरा था कि भाई क्या पता अबू तालिब जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर ले मौत के वक्त तो ये लोग वहाँ पहुँचे हुए थे आर दिलाने के लिए शर्म दिलाने के लिए कि अबू तालिब कम से कम हमारी मौजूदगी में शर्म से कम से कम इस्लाम नहीं कबूल करेंगे और मोहम्मद को के दिल को जो सुकून मिल जाता अगर अबू तालिब इस्लाम कबूल कर लेते तो वो नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनी की हद आप अबू जहल की देख रहे हैं बहरल अबू जहल वगैरह वहाँ मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख़बर पहुँची कि अबू तालिब पे जो है वो सकर्रात की कैफियत है और मौत करीब आ चुकी है तो आप भी सब काम छोड़ के जो है अब तालिब के पास पहुँच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलस तल्कीन कर रहे थे कि चाचा आप जानते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ आपने मुआजात देखे हैं आपने मेरी इतनी प्रोटेक्शन की है इतना काम किया ये सारी चीज़ें आपको नफ़ा तभी पहुँचा सकती हैं जब आप इस कलमे को कबूल कर लें शरीयत को कबूल कर लें यहां तक मामला हुआ कि अबू तालिब ने कहा कि बेटा अगर भतीजे अगर मुझे कुरैश के ताने का खदशा नहीं होता तो मैं आप के इस कलमे को पढ़ के तुम्हारी आंख को ठंडा कर देता तुम्हारे दिल को खुश कर देता लेकिन मुझे ये खदशा है कुरैश के ताने का कि कुरैश कहेंगे कि अबू तालिब ने मौत के डर से जो है मोहम्मद का कलमा अपने भतीजे का कलमा पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा अबू तालिब जो है और फिर इधर से अबू जहल वगैरह प्रोम्ट कर ही रहे थे कि अबू तालिब क्या आप मौत के डर से अपने भतीजे की बात मान लेंगे क्या मौत के डर से आप अब्दुल मुत्तलिब जैसे अजीम शख्स के दीन को छोड़ देंगे और चूंकि आप जानते हैं कि अरब में वो आबा व अजदाद के कल्चर की क्या अहमियत थी तो ऐसी सूरत थी कि मुसलसल यूँ एक तरफ से रसूल वसम की दावत व तब्लीख चल रही थी और आप चाह रहे थे किसी तरह जो है वो यानी आखिरी मौके पर आप सल्है वसम रो पड़े और कहा कि चाचा जाना आप मेरे कान में सिर्फ कलमा पढ़ दीजिए क्रैश में किसी को मालूम नहीं चलेगा अगर आप मेरे कान में भी कलमा पढ़ देंगे तो इन शयामत के दिन मैं आपकी शिफात करके अल्लाह ताली के हाँ आपको अजाब से बचा लूँगा तो लेकिन बहरल क्रैश भी इधर से रस्त कशी कर रहे थे तो दोनों साइड से ये कोशिश होती रही यहाँ तक कि बिल्कुल अख़ीर वक्त में अब्दुलमतलब ये अबू तालिब ने कहा है कि आला मिल्ल अब्दुलमतलब के मौत से पहले आखिरी कलमा जो कहा अबू तालिब ने कि मैं यानी कि अब्दुलमतलब की मिल्ल पे यानी कहने का मतलब यह था कि मैं मरता हूँ अब्दुल की मिलत पे तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो दसूल की के सदाकत के कायल थे लेकिन वो अपने शिरक को और अपनी आबा व अजदाद के दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और कुरैश के ताने का भी उनको डर था बहरअल इस पे उस, उनकी मौत हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे मौके पे जब तालिब की मौत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एचा मैं अच्छा नहीं उस बिल्कुल मौत के वक्त जो है वो जब मौत हो गई है तो मौत से जस्ट पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से कहा कि ए चचा मैं आपके लिए तब तक दुआ मकफरत करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला मुझे रोक ना दे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे थे कि अभी शायद ये शिरक पर ही मर जाएंगे तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि एच चा मैं आपके लिए दुआई मकफरत करता रहूँगा अल्लाह ताला के यहाँ आप आपके लिए माफी मांगता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला मुझे रोक ना दे अगर अल्लाह मुनासिब समझेंगे मुझे रोकना तो रोक देंगे लेकिन मैं तब तक जो है आपके लिए दुआ करता रहूँगा ये कह के आप उठ गए और उठ के उस मजलिस से निकल गए और कुछ वक्त बाद ही कुछ ही लम्हे में जो है वो अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो इंतकाल से पहले जो है आखिरी बात जो कही वही कही के अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब के अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पे ये कह के अबू तालिब का इंतकाल हो गया बहरहाल रसूलुल्लाह रसूल من دعا وغیرہ كي أبو طالب كي مغفرتك سورة كي ایت نازل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيم के नबी सलील वसलम के लिए और ईमान वालों के लिए ये जायज़ ही नहीं है ये मुनासिब ही नहीं है कि वो इसफ़ार करें वो दुआ मक्सरत तलब करें वो माफ़ी मांगें किन लोगों के लिए मुशरिकीन, उन लोगों के लिए जो मुशरिक हैं वूँ चाहे वो उनके क़राबदार करीबी ही क्यों ना हो यानी अल्लाह तालशाद फरमाता है कि ममिन के लिए और रसूल वसम के लिए भी ये हरगज़ मुनासिब नहीं हरगज़ जायज़ नहीं कि वो उन लोगों के लिए दुआएं मकसरत करें जिनकी मौत शिरक और कुफर पे हो गई चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदारी जब किसी के, के, कि के, के शिरक पे मौत यानी किसी के जाहिरन शिरक किसी का जाहिर है और उसी हालत में उसकी मौत हुई है तो ये बात जब जाहिर हो चुकी है कि फला शख्स की मौत शिरक पे हुई है तो फिर मुमिन के लिए और नबी अलैहि वसल्लम के लिए हरगस जायज़ नहीं कि उनके लिए दुआए मकसरत करें तो यहाँ अल्लाह तेटेगरिकली इस बात को हराम कर दिया तमाम उम्मत के ऊपर और रसूलुल्लाह सल्लम के ऊपर भी अपने महबूब के ऊपर भी इस बात को हराम कर दिया कि मुशरिकीन के लिए अहल शर्क के लिए और अहल कफ़र के लिए दुआ मगफ़रत की जाए यहाँ ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब तालब कितने एक्सेप्शनल काफिर एकप्शनल मशरक थे यानी यानी अबू तालिब का जो रोल है यहाँ पे मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं आप लोग शुरू से नोट करते आए हैं सिर्फ रसूल के तहफ में नहीं बल्कि पूरे के पूरी इस्लामी तहरीक के तहफ में और उसको जो क़वत मिली है अबू तालिब की लीडरशिप की वजह से और बनू हाशिम की कैटेगोरिकली वो काबिल इनकार नहीं है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सब के बावजूद इतनी मोहब्बत के बावजूद इतनी ख़ुद को न्योछावर करने के बावजूद यहाँ तक कि अबू तालिब का फेमस स्टेटमेंट है कि हम अपनी औलादों की लाशें बिछा देंगे रसूल वसम के तहफ़ के लिए तो इतने यानी यूँ कह लीजिए कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ रसूलुल्लाह रसूल डिस्पाइट द फैक्ट कि रसूल वसम ने एक भी जो है वो यानी पॉइंट्स कुरैश की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किए जब भी इस तरह की मसालहत की कोशिश की गई और अपने तबलीग पे अपनी दावत पे बिल्कुल जो है वो अडिग रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलूब नरमी का था तरीकेकार मुख्तलिफ रहे लेकिन किसी भी मोमेंट पे दावत तबलीग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए भी जो है बैकफुट पे नहीं किया तमाम चीज़ों के बावजूद इन तमाम खूबियों के बावजूद इन तमाम यू कह लीजिए कि एहसान के बावजूद अल्लाह ने कैटेगोरिकली इस बात को हराम करार दिया कि मा नबी ये मुनासिब ही नहीं नबी के लिए व लजी ना मनु और वो लोग जो ईमान लाए हैं यमशरकिन के वो मुशरकिन के लिए इस्तफार करें मशरकिन के लिए दुआ मकसरत करें चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार यानी आम अहल शर्क की बात नहीं बल्कि करीबी भी कोई रिश्तेदार अगर शर्क पे कुफर पे ए, मौत होती है तो उसके लिए दुआ मकसरद जायज़ नहीं है दुनिया के अंदर ज़ाहिर है कि मैंने जब उलुल अरहम का बयान किया था जाफ़र रजिय की जो तकरीर नजाशी के कोर्ट में जब हमने पढ़ी थी और उसकी तफस बयान की थी तो आपको याद होगा कि अगर यानी रिश्तेदार हैं और वो कुफर पे भी हैं और वो शर्क पे भी हैं तो और इस्लाम के दुश्मन नहीं हैं तो फिर उनके साथन सलूक किया जाएगा उनके जो हकूक़ हैं दुनिया के अंदर वो दिए जाएँगे उनके साथ जो है अमानत में और पैसे में और ये सारी चीज़ों में जो मामला करने हैं वो सारे अच्छे तरीके से एहसन तरीक़े से मारूफ़ तरीक़े से किए जाएँगे लेकिन एक बार दुनिया में ताल्लुक का सिलसिला मुन हो गया और इंसान इस आलम जाहिर से आलम गैब में मुंतकिल हो गया तो अब फिर किसी के लिए जायज़ नहीं है क्योंकि वहाँ का फ़ैसला दुनियावी जो लिंक एंड बाउंडेजेज हैं उसके बेसिस पे नहीं बल्कि आमाल और ईमान के बेसिस पे होना लिहाजा एक बार जो है किसी की मौत शिरक वक़र पर हो जाए कितनी ही बड़ी हस्ती अबू तालब से बेहतर कोई काफ़िर नहीं हो सकता अल्लाह की कसम सबसे अफजल तरीन काफ़िर अगर कोई है तो अबू तालब अबू तालिब से अफजल कोई मुशरक नहीं हो सकता ठीक है दुनिया में कितना ही बड़ा फिलानथ्रोफिस क्यों ना हो अबू तालिब से बेहतर मुशरक कोई नहीं हो सकता अबू तालिब से बेहतर काफिर कोई नहीं हो सकता इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अल्फाज में जो है उनके लिए दुआई मुखरस से मना किया तो पता ही चला है कि दुनिया के अंदर जो तल्लुत हैं और जो उसने सलूक वगैरह के मामलत हैं रिश्तेदारी के वो अपनी जगह हैं लेकिन आलम गैब में जो फैसला होना है वो खालिस अल्लाह ताली के अटल कवानीन के तहत होना है हमारे जज्बातों के तहत नहीं होना है इसमें एक ज़िमन बात करता चलूँ कि बार दफ़ा क्या होता है कि किसी भी बड़ी शख्सियत की मौत होती है फेमस शख्सियत की मौत होती है तो लोग आर वगैरह जो है वो कहते हैं रेस्ट इन पीस वगैरह अब एक इंसान जो इस बात के मतलब को नहीं समझता उसकी बात तो यदि मैं नहीं कर रहा लेकिन जो इन बातों के तालिकब को समझता है कि रेस्ट इन पीस से मुराद क्या रेस्ट इन पीस से मुराद ये है कि यानी किसी के लिए हम एक तरह से अमन की और जन्नत की दुआ करना एक तरह से एक सेंस में नॉट एग्जैक्टली बट वेरी क्लोज टू इट तो अगर कोई इंसान इस मतलब को समझता और इस हुक्म को भी जानता है तो उसके लिए मुनासिब नहीं कि इस तरह के अल्फाज अहले क़र और अहल शर्क के लिए इस्तेमाल करें लेकिन उनके फैमिलीज़ को कंसोलेशन के लिए आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताला आप लोगों को सब्र दे अल्लाह तीन लोगों को बेहतर बदला दे अगर उनकी फैमिली जो है वो आपके साथ क्लोज़ हैं या कुछ तल्लक़ा हैं आपके साथ अच्छे तो उनके साथ आप ये कह सकते हैं उनकी फैमिलीज़ को कंसोल कर सकते हैं कि अल्लाह ताली आप लोगों को सब्र दें आप लोगों को हिदायत दे आप लोगों को बेहतरीन नमल बदल दे है ना आप लोगों को जो गम और परेशानी हुई है उसको ख़त्म कर दे और आप लोगों को जो है यानी हिदायत की रोशनी दे इस तरह से दुआएं आप जो है उन लोगों के लिए कर कर सकते हैं दुआएं दे सकते हैं है ना जो जिंदा शख्सियत और कंसोलेशन कर सकते हैं लेकिन जिनका इंतकाल हो गया शिरको कुफर पे, उनके लिए दुआ आप मगफरत की नहीं कर सकते

आ, उनकी फैमिली को कंसोलेशन वगैरह दिया जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ जो आलम गैब का मामला है उसमें उनके लिए दुआई मकसद नहीं की जा सकती अगर शेर को कुफर पर मौत हो गई या आर आई पी वगैरह जो है मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है चलिए ये बात हो गई अब दूसरी बात जब ये इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर ही पहुँचे थे तो पीछे से हजरत अली रजी अल्लाह थोड़ी देर में ही दौड़ते हुए पीछे पहुँचे अबू दाऊद सुना ना अबू दाऊद वगैरह में रिवायत मौजूद है अली रजी अल्लाह रसूल के पास पहुंचे ये खबर लेके कि अल्फाज सुने अली फरमाया कि इन वालन कदम रसूल से अबू तालिब की मौत को किस तरह बयान कियाली रजनु भी बहुत डिसहार्टेंड हो गए थे कि अबू तालिब ने लास्ट मोमेंट तक जो है इस्लाम को भूल नहीं किया और आप सल्लम की काविशों को देख रहे थे तो अली रजूल को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे वाले क्यों नहीं बात समझते सारी बातें समझ के भी नहीं समझते जब वो पहुँचे हैं आप सी वम के पास तो उन्होंने अल्फाज इस तरह से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कहा कि इन अम्म का इन अम का वाल के आपके गुमराह चचे का इंतकाल हो गया यानी आपके वो चचा जो हालत गुमराहि में थे है ना जलालत में थे जलालत उर्दू वाला नहीं वो जो अरबी में यानी जलालत से मुराद गुमराही होती तो आपके गुमराह चचे का इंतकाल हो गया ये भी नहीं कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ ये कहा आपके गुमराह चचे का इंतकाल हुआ बहरहल इस पर आप सल्ला वसम उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ और अभी किसी को ख़बर नहीं करना उनको गसुल वगैरह दो और उनकी तदफ़ीन वगैरह का इंतज़ाम करो इस तरह से हजरत अली रज़ी को भेजा और फिर गसुल और तदफ्फीन वगैरह का मामला हुआ इससे पता चला कि तदफ़ीन जो है दफ़न करना जो है तमाम इंसानों का हक है बगैर इम्तियाज़ शेख मशरक और मुस्लिम और काफिर के तो दफन होना डेड बॉडी को रेस्पेक्टफुल्ली डिस्पोज करना ये तमाम लोगों का हक है अगर ये हक हाँ नहीं होता तो अबू तालिब को क्यों दफनाते और बहुत सारे मशरकिन को दफनाया गया तो दफन वग़ैरह जो है तमाम लोगों का हक़ हाँ है एक रेस्पेक्टेबल वे में दुनिया से रवाना करना ये तमाम लोगों का हक हाँ है ठीक है तो ये बात अबू तालिब का क्या रोल था फैसिलिटेशन ऑफ इस्लाम एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं अच्छा एक और थोड़ा सा डाउट रह जाता है लोगों के जहन में बहुत से लोग इस तरह सवाल करते हैं कि क्यों नहीं अबू तालिब ने इस्लाम कबूल किया इसकी बहुत सारी वजूहत हैं सही वजह जो है वो हकीकता अल्लाह ताला जानता है क्योंकि हम लोग कयास कर सकते हैं ना हम लोग गैस कर सकते हैं अपने फहम और इल्म के मुताबिक बता सकते हैं लेकिन गैब जो है वो अल्लाह ताला की जात है हकीकी हाल अल्लाह जानता है तो हम अपने इल्म के मुताबिक ये बात समझते हैं कि वो तालब के कबूल न करने की चंद वजूहत पहली यानी सबसे हर चीज़ की पहली वजह यही है कि अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो उसको भी हम यहाँ बयान ही नहीं करेंगे क्योंकि हर एवरी इंसिडेंट एंड एवरी इवेंट टेक्स प्लेस और नॉट टेक्स प्लेस डज नॉट टेक प्लेस दोनों में अल्लाह की मर्जी होती है तो अल्लाह की मर्ज़ी एक कामन फैक्टर है लेकिन जो ज़ाहरी असबाब हैं उनमें से एक सबब तो ये है कि जो जाहली असबियत थी अपने आबा वजदादाद के दीन को लेकर वो बहुत शदीद थे अबू तालिब के अंदर लादा वो नहीं चाहते थे कि मुत्तलिब का दीन जो है डाई आउट हो जाए अगर मैं ही इस्लाम कबूल कर लूँ मेरी सारे औलाद वगैरह तो एक के बाद एक कबूल कर ही रहें मैं भी कबूल कर लूँ तो फिर तो अब्दुलब का दिन ही डाईआउट हो जाएगा लिहाजा जो है अब्दुल अब्दुलमतलब के नाम को बाकी रखने के लिए उनके दीन को बाकी रखने के लिए कोई इंसान तो ऐसा होना चाहिए जो कि अब्दुल अब्दुलमतलिब की शरीय और दीन पे रहे एक दूसरा कहीं कही ना कहीं वो ताने का खौफ जो था जो लीडरशिप की पोजीशन थी उसको रिटेन करना इज्जत यानी उनके अपनी निगाह में जो ये था कि मैं एकदम बिल्कुल शायन और शान और इज्जत के साथ जो है मौत हो और बहादुरी के साथ मौत को गले लगाऊं ऐसा लोग ना कहें कि मौत के घबराहट में जो है कबूल कर लिया ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है बाज लोगों के अंदर जो उनको हिदायत से बहुत दूर कर देती है कि उनके अंदर एक झिझक और एक शर्म महसूस होती है कि यार हमने इतने दिन तक एक तरीक़ेकार पे रहे और अब दूसरा तरीक़ा हम कैसे अख्तियार करें लोग कहेंगे बुढ़ापे की वजह से कर रहा है लेकिन देख लीजिए जैसा कि इमाम शाफ कहते हैं कि हर अकड़ हर मोहब्बत और हर खूबसूरत चीज़ जो तुमने दुनिया में के अंदर महसूस की होगी अपनी तमाम तकमील के साथ जो तुमने महसूस की होगी अपनी तमाम यानी कामिल शिद्दत के साथ जो तुमने दुनिया के अंदर महसूस की होगी कब्र में पहली बार जो ज़मीन तुम्हें दबाएगी और कब्र की पह, का पहला लम्हा जो होगा वो तमाम चीज़ों को तुम्हें भुला देगा लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है इंतहाई बेवकूफ़ी वाली बात है कि इंसान जो है वो इस वजह से कि मैंने पूरी जिंदगी एक तरीके पर जिंदगी गुजारी और अब मैं कैसे उस तरीके को तब्दील करके जो है हिदायत की राह पे आ जाऊँ इस चक्कर में इंसान अपने अलिया जहनम की आग खरीद रहा होता है और यही चीज़ है जो अबू तालिब को बहुत बड़े फैक्टर्स में से एक ये है कि डिस्पाइट हैविंग सो सो मच मच गुडनेस गुडनेस इन इन हिम हिम ही ही डिड डिड नॉट नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट इस्लाम और ये कितना बड़ा ये कितनी बड़ी बुराई है कि आप समझेंगे इतनी खूबियों के बावजूद ये तनहा बुराई इंसान को जो है वो जहन में पहुंचा सकती है ठीक है तो लोगों के ताने का खौफ जो है वो और यानी एक ये कि मैं अपने वेज नहीं चेंज करते हमारे कहावत है ना हिंदी में कि मर्द की जबान एक होती है इस तरह से कुछ है कहावत कि मर्द की हमेशा जो है एक ही जबान होती है एक ही तरह से बात करता है ऐसा नहीं कि बात चेंज करता है लेकिन ऐसी बात नहीं है अगर गलत के मुकाबले में सही बात मिल जाए तो चेंज कर लेनी चाहिए अपनी बात है ना अकलमंदी इसी में है निजात इसी में है और सारी मर्दान की पहले लम्हे में कब्र में ख़त्म हो जाएगी आपके और एक लम्हे के लिए भी फरिश्ते का मुकाबला और अजाब का मुकाबला आप नहीं कर सकते अपनी मर्दान की ठीक है तो ये अबू तालिब के साथ थी ये चीज़ ठीक है तीसरी चीज़ ये थी कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अः वो रसूल को सच्चा भी मानते थे नबी भी मानते थे और ये भी मानते थे कि आसमान से यानी खबरें उतरती हैं आप के ले ऊपर लेकिन वो शिरक से बेजार नहीं थे यानी जो उनके अपने माबूदान थे उनके बारे में भी उनका एतक़ाद था ये भी कुछ कर सकते हैं इनके अंदर भी कुछ क़ुतें इनके अंदर भी कुछ ताकतें तो शिरक जब घुट्टी में इंसान का पड़ा होता है ना तो वो इस्लाम को कबूल नहीं कर पाता इतनी आसानी से शरीयत उसके दिल के अंदर दाखिल नहीं हो पाती तीन बुनियादी वजह है अबू तालिब के इस्लाम ना कबूल करने की अल्लाह हजारों वजह हो सकती हैं अल्लाह ताला जो है हकीकी हाल को जानता है तो ये सारी बातें चुनाच दो रिवायत मैं आपके सामने सही बुखारी से पढ़ रहा हूँ एक रिवायत हजरत अब्बास रजी से मरवी है ये अबू तालिब के भाई है ये अब्दुल्ल अबिन अब्बास के वालद हैं और रसोसम के चचा हैं और इनका भी काफी क्रूशल रोल आगे अब आपको देखने को मिलेगा तो हजरत अब्बास रजी से मरवी एक रिवायत है कि रसूल ने शाद फरमाया कि नहीं यानी अब्बास रजी उन्होंने आप सल्ह वसम से पूछा कि अल्लाह के रसूल आप अपने चचा के किसी काम आएंगे क्योंकि वह आप आपकी की हिफाजत करते थे और आपके लिए दूसरों पर बिगड़ते थे और उनसे लड़ाई मोल लेते थे आप ने फरमाया कि वह जहन्नम की एक हल्की जगह में होंगे यानी एक ऐसी जगह जो बहुत गहरी नहीं है और अगर मैं ना होता तो वह जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में होते यानी शिर कुफर के बावजूद जो है मेरी रफाक़त और मेरी मदद करना उनको इतना फ़ायदा तो ज़रूर पहुँचाएगा भले उनको जहन्नम से निकाल ना सके लेकिन जहन्नम में बहुत ही अदना कस्म का अजाब उनको होगा अब जाहिर जहन्नम का अदना अज़ाब भी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी फिर भी ये जो मदद की है आप सल्ला वसलम की जो प्रोटेक्शन की है इसका इतना फ़ायदा तो हुआ कि अजाब में काफ़ी हद तक तकफीफ़ हो जाएगी अबू सैद खुदरी रजील्ला से मरवी बुखारी में दूसरी रिवायत है कि अल्लाह के रसूल वसम् के सामने एक बार अबू तालिब का तस्करा हुआ इंतकाल के बाद तो आप सल्ह्स ने फरमाया कि मुमकिन है कि कयामत के दिन इन्हें मेरी शफ़ात फ़ायदा पहुँचा दे और इन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ इनके दोनों टखनों तक पहुँच सके ये भी बुखारी की रवायत है क़स्त व तालिब में आप पढ़ सकते हैं इसको तो यानी कि जहन्म में उनके पूरे बदन को नहीं जलाएगी जहन्नम की आग बल्कि उनके दोनों पैरों को जलाएगी बस और ये यानी बास दूसरे रवायतों में आता है तक मुझे याद आ रहा में, सुनन में ये है सुनन नबी दाऊद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनको जहन्नम में आग के जूते पहनाए जाएंगे बाकी उनका जिस्म जो है जहन्नम में नहीं जलेगा लेकिन इसके शिदत उस गर्मी की शिद्दत की वजह से उनका दिमाग खोल उठेगा और सर जो है फटने लगेगा यहाँ तक कि वो ख्याल करेंगे कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा अजाब जो है उन्हें ही हो रहा है लेकिन ये सबसे अदना अजाब होगा जहन्नम में सबसे अदना अजाब जो होगा वो अबू तालिब के ऊपर होगा तो पता ये चला कि ये नेक अमाल जो हैं या काफ़िर और मशरकों के भी नेक आमाल उनको फ़ायदा क़्यामत के दिन पहुँचाएँगे अलबत्त उनके कुफर और शर्क की वजह से वो जहन्नम से निकल तो नहीं सकेंगे लेकिन हाँ अजाब में तखफीफ़ का सब बन सकते हैं नेक आमाल जो हैं दुनिया के में वो उनके अजाब में कमी का सबब जो है वो बन सकते हैं ठीक है शायद स्क्रीन ठीक हाँ, है चलिए तो यहीं पे पर ताला हम बात को ख़त्म कर रहे हैं अबू तालिब के इंतकाल वाला चैप्टर क्लोज हुआ अब नेक्स्ट लेक्चर हजरत खदीजा अनहा के इंतकाल और उसके बाद जो बैक टू तो बैक गम जो है आप के ऊपर हुआ और फिर खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद जो के ऊपर परेशानियाँ आईं और आपने तकलीफ परेशानियाँ महसूस की फिर उस वक्त सूर्य यूसुफ़ का भी नज़ुल हुआ तो उससे क्या पैरलज़म था रसूल वसम के वाक़ का वो भी थोड़ा सा हम आपके सामने बयान करेंगे फिर सैदा सऊदा रजील से आप सल्हम का निका सैदा खदीजा के इंतकाल के कुछ महीनों बाद हुआ तो काफ़ी बूढ़ी ख़ातून थी तो इनके साथ जब आपका निका हुआ तो उसका भी तस्करा करेंगे और फिर जो है ताइफ का सफर आपली व् ने इसके बाद किया तो उसका भी तस्करा जो है इन शेक्सट दुरूस में दूरसों में आएगा नैक्स्ट दर्स में आएगा और मे बी उसके बाद भी उसका तस्करा चले तयफ़ का तो यहीं पर इन श्ल्ह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह ताली से दुआ करता हूँ कि जो आज बात हुई अच्छी बात जो हो गई उसको कबूल फ़रमा ले जो ख़ता हो गई जो गलत बात निकल गई कोई ऐसी बात कह दी हो जो खिलाफ हक़ हो तो अल्लाह ताली उसको आपके दिलों से भी भुला दे और उसका इसकी जो ख़ता हो उसका जो गुना हो वो हमें माफ़ फरमा दे आमीन या रबाल आलमीन अलहमदिल्ला रबालमीन इन ताला आप लोगों के सवाल जवाब जो है एक मिनट में मैं ले लूँगा जो भी ए...